धर्मगुरु अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दुर्ग पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग शहर में उनके विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। दुर्ग बस स्टैंड में धर्मगुरु के पहुंचते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एवं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद शहर का भ्रमण करते हुए वे केलाबाड़ी समारोह के आयोजन में पहुंचे। मीडिया के सामने उन्होंने समाज को कुछ यूं संदेश दिया। मुस्लिम समाज को इस बात का संदेश देंगे, वो मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें और किसी तरह की कोई गलत भावना अपने दिलों में न रखें, और जैसा वो अपने बारे में विचार करें दूसरों के बारे में, जैसा अपना ख्याल करें दूसरे, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हमसे है। जाहिर सी बात है कि जब हमसे है तो हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम दोनों मिल करके आगे बढ़े तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, देश भी बढ़ेगा, माहौल भी अच्छा होगा, वातावरण भी अच्छा होगा। यही हम संदेश पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को देना चाहते हैं जो भी यहाँ रहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में आले रसूल हजरत मक्की मियां हम सबको यहाँ पर एक संदेश देने के लिए उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही, देश हमेशा हम में चला है, हाँ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, और बस हम उनके अनुयायी हैं, उनके संदेश को आम जन तक पहुँचाए और सद्भावना भाईचारा से जो हमारा देश चल रहा है उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं, तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।